आपका वर्ल्ड फेमस लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफी को हिंदी में जानने के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और मोटिवेशनल मेंटर डॉक्टर केतन टक। दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आपकी हर जरूरत पूरी हो? क्या आप चाहते हो कि आपके हर सपने पूरे हो? और क्या आप चाहते हो कि रिटायरमेंट के बाद भी आप एक आरामदायक लाइफ जी सके? तो आज के वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो थंब रूल है उसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, और वो है 50-30-20 रूल्स। क्या है ये 50-30-20 रूल्स, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, क्या है ये 50-30-20 रूल्स? 2010 की टाइम मैगजीन की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में जिसका नाम था वो थी एलिजाबेथ वार्नर और उसकी बेटी एमिलिया वार्नर। उसने एक बुक लिखी थी ऑल योर वेल्थ, जिसमें ये कॉन्सेप्ट है उसने मेंशन किया था, जो था 50-30-20 रूल्स। क्या है ये और कैसे आप अप्लाई करोगे? तो उसमें आपकी जो इनकम है उसमें टैक्स निकाल के बाकी जो इनकम बचती है उसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट वो 50% है, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। मकान है उसमें आप घर की ईएमआई या फिर रेंट ले सकते हो, और जो बाकी एक्सपेंसेस है जैसे कि बिल्स है, मोबाइल बिल्स है या फिर टेलीफोन बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वाटर बिल्स है, ये सब बिल्स है वो हम लोग ये नेसेसिटी में कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है 30%, वो है हमारा लग्जरी या फिर कंफर्ट लेवल। इसमें हम अपने जो भी सपने हैं वो हम लोग पूरे करने हैं, जैसे कि हमें बाहर घूमने जाना है टूरिंग के लिए, या फिर हमें बाहर रेस्टोरेंट में खाने खाना जाना है, लग्जरियस क्लोथ पहनने हैं। इसके अलावा हमें कोई अच्छी सी कार लेनी, पर इसमें हमें एक दूसरा रूल भी याद रख लेना चाहिए। हमारे जो पूर्वज है वो कहा करते थे कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो उसके लिए अगर आप लग्जरी लेवल में हो तो आप लग्जरियस खर्चे कर सकते हो, अगर आप कंफर्ट लेवल में हो तो ऐसे खर्चे कर सकते हो। मीन्स अगर आप लग्जरी लेवल में हो तो आप लग्जरियस कार खरीद सकते हो, अगर आप कंफर्ट लेवल में हो तो आप बजट कार खरीद सकते हो। वैसे ही आप अपने बजट फोन या फिर बजट लैपटॉप, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। तो जो भी आपके सपने हैं वो 30% में आपको पूरे करने हैं, और बाकी जो 20% बचा है उसको हमें सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग जैसे कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट है, या फिर इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड्स है, डेट फंड्स है, इसके अलावा रियल एस्टेट है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और ये जो 20% है ना, वही आपकी एक्चुअली वेल्थ है, जो आपको फ्यूचर में आपको कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आया कि कभी आपकी जॉब चली गई, या फिर आपका बिजनेस में मंदा हो गया, या फिर आपको कोई इमरजेंसी एजुकेशन या फिर मैरिज के लिए पैसे चाहिए, या फिर इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस आ गए, तो उसके लिए यह पैसा है आपको बहुत ही मदद रूप हो सकता है। और हाँ, अगर यह पैसा इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए नहीं यूज हुआ तो आप रिटायरमेंट के बाद या फिर एक एज के बाद जब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो तब आप ये पैसे को यूज कर सकते हो। दोस्तों, ये पैसा अप्लाई करके लाखों लोग हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो भी करोड़पति बन गए हैं। तो मैं आपको ये रूल कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताता हूँ। तो आप अपनी जब इनकम शुरू हो जाए तभी से ये रूल अप्लाई करना शुरू कर देना है, और अगर अभी तक आपने ये रूल अप्लाई करना नहीं शुरू किया तो आज से ही ये रूल अप्लाई करना शुरू करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो भी इनकम है, आपकी फर्स्ट सैलरी है तभी से ये 20% है वो हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। एक बहुत अच्छी कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा होता है, वो अपने दादाजी के पास जाता है और अपनी पहली सैलरी 10,000 रूपए दे देता है। दादाजी 2,000 रूपए निकाल लेते हैं और 8,000 रूपए उसको वापस देते हैं, और बच्चे को बोलते हैं कि यही चीज है तुमको लाइफ टाइम करनी है। और वो बंदे ने ये चीज अपनाई और अभी वो अपनी कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है। उसका एक ही रीजन था कि उसने अपनी सैलरी के 20% है वो सेव कर दिए थे। दूसरा, आपको अगर इस मंथ में आपके 20% सेव नहीं हुए तो नेक्स्ट मंथ में आपको वो कवर अप करने हैं।
तीसरा, जब जब आपकी सैलरी बढ़ती है तब तब ये सेविंग है वो भी आपको बढ़ाते रहना है। और हाँ, इसमें आपको अपना टैक्स है उसको अलग से कैलकुलेट करके बाकी जो इनकम बचती है उसमें ही ये 50-30-20 रूल्स अप्लाई करना है। दोस्तों, ये आपको मैं कंजूस होने का नहीं बोल रहा हूँ, पर आपकी जो फिजूल खर्ची है वो आप कैसे कम कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण।